जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल विगिवा का कॉन्सेप्ट में। आज हम रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर करेंगे। इसकी ऑलरेडी हम दो टाइप कर चुके हैं, आज टाइप नंबर फोर और टाइप नंबर फाइव इकट्ठा एक ही वीडियो में करेंगे। अलग अलग वीडियो इसके लिए बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सोचे कि आप लगभग सभी टाइप आपस में ना को रिलेट करती है। देखिए पहली टाइप में क्या रहेगा, जो फर्स्ट टाइप है इसकी, इस फर्स्ट टाइप के अंदर डेट सेम रहेगी। क्या सेम रहेगी यहां पर? डेट। लेकिन जो ईयर होगा, जो साल दिया होगा, वो डिफरेंट रहेगा। सेकंड टाइप में क्या रहेगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। डेट डिफरेंट होगी और जो ईयर होगा, जो ईयर रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और जो थोड़ा सा बच्चे जिसमें ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं वो टाइप नंबर फाइव है। इसमें क्या होगा, डेट एंड ईयर बोथ आर डिफरेंट, दोनों ही क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। बड़ी ही सिंपल टाइप है ये तीनों। आप करोगे ना, इसमें कोई किसी तरह का ना ज्यादा कोड वर्ड आपको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल छोटा सा फार्मूला याद रखे, वो फार्मूला क्या है, हमें ना एक्स्ट्रा डे निकालना पड़ेगा। हमें देखो क्या होता है, कैलेंडर की लैंग्वेज में ना आपको ना जब भी किसी ईयर को, किसी बार को निकालना है, तो किसी डेट को निकालना है, तो आपके पास ना एक्स्ट्रा डे होने चाहिए। वो एक्स्ट्रा डे हम कैसे निकालते हैं, 7 से टोटल को डिवाइड कर। यदि मैं इसकी पहली टाइप की बात करूं, छोटा सा फार्मूला याद रख ले, उस फार्मूले में थोड़ा सा यहां बदलाव होगा और टाइप नंबर फाइव में इसी फार्मूले में थोड़ा सा बदलाव होगा, ज्यादा कुछ नहीं। यदि आपको टाइप नंबर थ्री अच्छे तरीके से समझ आ गई, सोच लो 50% इसका काम हो गया और 50% टाइप नंबर फाइव का हो जाएगा। बड़े सिंपल सवाल है। इसमें देखो आपको छोटा सा फार्मूला याद रखना है। वो फार्मूला क्या कहता है, आपके पास कोई भी डे निकालना है आपने, वो इक्वल टू होगा जो दो वर्ष दिए हुए हैं उनका अंतर, डिफरेंस बिटवीन ईयर्स, और प्लस करना होगा लीप ईयर। जो लीप वर्ष होंगे उनको प्लस करें और बटे में रखना है। इसके क्या रखना है, 7। ये टाइप नंबर बात करें, हम 3 की बात करें, 3 के लिए फार्मूला अप्लाई होगा। बड़ा सिंपल है। हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं टाइम वेस्ट ना करके, उससे ना आपको सब बातें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। इसका पहला प्रश्न देखें, इस प्रश्न में क्या बताया गया, ये प्रश्न आरआरबी रेलवे में 2012 में पूछा गया था। इसमें क्या बताया, यदि 15 जनवरी को, स्क्रीन पे आप देख सकते हो, 15 जनवरी 2000 को रविवार था, तो 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा, ये आपने कैलकुलेट करना है। देखो सिंपली आपने क्या रखना है, देखो डेट दोनों में सेम है, क्या हमारी पहचान क्या इस टाइप की, डेट सेम है लेकिन ईयर है ना वो डिफरेंट है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्षों का अंतर निकाले प्लस लीप ईयर बटे में 7, वो आपका डे आ जाएगा। देखो आपको स्टार्टिंग डे, सबसे पहला स्टेप क्या, आप ये देखो स्टार्टिंग डे आपको क्या दिया है इसने, रविवार। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टार्टिंग डे आपको क्या दिया हुआ है इसमें, रविवार दिया हुआ है। वर्षों का अंतर, देखो सन क्या था आपके पास, 2013 में माइनस करूं मैं 2000 तो कितना आ गया आपका, 13। वर्षों का अंतर तो आपके पास क्लियर आ चुका है, जो कितना आया, 13। प्लस लीप ईयर, क्या निकाला आपने, लीप ईयर। लीप ईयर निकालने के दो तरीके हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझे, छोटी सी बात आपने दिमाग में फिट करनी है। जब आप लीप ईयर निकाल रहे हो, देखो मैं यदि लीप ईयर की बात करूं, देखे लीप ईयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2000 एक लीप ईयर है, फिर उसके बाद क्या आएगा आपके पास, 2001 क्या लीप ईयर है,
जल्दी से बताएं, नहीं है, क्योंकि जब लास्ट के दो डिजिट चार से पूरे पूरे भाग हो जाए, लास्ट के दो डिजिट चार से पूरे पूरे भाग हो जाए उसी को ही हम लीप ईयर मानते हैं, तो ये नहीं हो सकता। इसके लास्ट के दो डिजिट देखो तो कितने हैं आपके पास, जीरो और टू, यानी कि चार से ये भी भाग नहीं होगा, इसी तरह तीन भी नहीं होगा, तो आपके पास लीप ईयर नेक्स्ट क्या आएगा, चार आएगा। क्या आएगा, चार। इसी तरह इसके बाद लीप ईयर क्या आएगा आपके पास, 2008। चौथा लीप ईयर आपके पास 2012। 13 तक ही चलना है, हमने सिर्फ 2013 तक चलना है। तो लीप ईयर कितने आए आपके पास, इनकी कोई जरूरत नहीं हमें, लीप ईयर 1, 2, 3, 4। ये तो है लॉन्ग मेथड लीप ईयर निकालने का। यदि ये आपको समझ नहीं आया छोड़ दे इसको भी, सिंपल मेथड बताता हूं मैं, लीप ईयर कैसे निकालेंगे, हम लीप ईयर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, लीप ईयर लीप वर्ष कैसे निकालेंगे। जो ये 13 निकाला आपने अंतर, ये अंतर उसको रखे यहां, और लीप ईयर आपने देखा होगा कितने साल बाद आता है, चार साल बाद, फिर चार साल बाद, फिर चार साल बाद, यानी कि आप चार से भाग करोगे, किसे भाग करोगे, चार से भाग। और ये देखे ये पूरा पूरा कितने पे कट रहा है, इसका यहां पर आप आंसर क्या लोगे, भागफल। आपके पास क्या चाहिए, भागफल चाहिए पूरा पूरा कटने तक का। मैं 13 को यहां रखूं, 4 को यहां रखूं, तो कितना हो गया, 4 × 3 = 12, एक हासिल बच चुका है। हमें क्या चाहिए, भागफल। तो आपका लीप ईयर यहां पर 3, लेकिन याद रखें जब भी आप जिन सन में से माइनस कर रहे हो, जिस सन में से माइनस कर रहे हो, यदि उन दोनों में से एक लीप ईयर हो तो एक नंबर बढ़ा दें, यानी कि कितना होगा, टोटल 4। यदि इन दोनों में से कोई भी लीप ईयर ना होता, यदि इन दोनों में से कोई भी लीप ईयर ना होता तो हम सिर्फ भागफल को लेते, वो ही आपका लीप ईयर कहलाता। तो यहां पर आपका टोटल लीप ईयर क्या है, 4। ये बहुत आसान ट्रिक है एज कंपेयर टू, इसके स्टार्टिंग में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, जब 3-4 बार आप अभ्यास करोगे ना। देखो यहां तो नंबरिंग है पास पास, आपने आराम से कैलकुलेट कर लिया, जब सन काफी बीच में गैप हो तब इस तरीके से कैलकुलेट करना काफी डिफिकल्ट होता है, उस केस में आप सिर्फ इसका यूज करें। बस छोटी सी बात आपने याद रखनी है कि लीप ईयर आए तो एक वर्ष बढ़ा दें जिनमें आप माइनस करें, यदि लीप ईयर ना आए तो प्रॉपर भागफल ले ले, वो ही आपका लीप ईयर होगा। तो यहां पर लीप ईयर कितना जाएगा आपका, 4 वर्ष। तो इसकी हमें कोई भी जरूरत नहीं है। देखिए आगे अब क्या करोगे आप, बड़ा सिंपल प्रोसेस है, आपके पास क्या आ चुका है, भागफल भी आ गया। यहां पर आपका क्या रविवार था, भागफल से आपने लीप ईयर निकाल दिया और अंतर तो आ चुका है, ये हो गया 7। यदि मैं दोनों को जोड़ दूं, 13 और 4 कितना हुआ, 17 17/7। यहां पर आप क्या लोगे, शेषफल। थोड़ा कंफ्यूज ना होना आप, यहां आपका आंसर क्या होगा, शेषफल होगा। जब आप लीप ईयर निकाल रहे हो तो भागफल आपका आंसर होता है, जब आप डे निकालोगे तो उस समय एक्स्ट्रा डे निकालोगे तो उस समय आपका शेषफल ही आपका आंसर है। यदि मैं 17 को 7 से भाग करूं तो प्रॉपर कटने के बाद शेषफल कितना आएगा, 7 × 14, तो कितना बचा, 3। कितना बचा आपके पास, 3 बच चुका है। और इस 3 को आप जोड़ दें, किसमें जोड़ोगे, लास्ट स्टेप है ये, आप किसमें जोड़ोगे, रविवार में। तो 3 दिन आगे चले तो आपका आंसर क्या रहेगा, सोम मंगल बुध, क्योंकि डे आपके यही होते हैं ना, सोमवार, ये तो आपको नॉर्मल पता है, मंगल बुध वीर शुक्र, पिछली वीडियो में भी जिक्र कर चुके हैं इसका हम, शनि और रवि, 7 डे होते हैं एक वीक में। तो आपका यहां पर आंसर क्या होगा, सोमवार से मैं 3 दिन आगे, सॉरी रविवार से मैं 3 दिन आगे चलो, ये रविवार है तो अब यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3, तो आपका आंसर क्या रहेगा, बुधवार। यहां पर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा। ये प्रश्न रेलवे में 2012 में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से ये टाइप क्लियर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्क्रीन पर लग चुका है, 30 सेकंड के अंदर अंदर आपने इसका आंसर देना है। सेम टू सेम इसी स्टेप पे करोगे, जिस तरीके के मैंने स्टेप यूज किए हैं आपने भी सिर्फ उन्हीं स्टेप का यूज करना है। इसमें क्या बताया गया,
यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा, ये आपने कैलकुलेट करना है। ये एसएससी 2002 में पूछा गया था प्रश्न, जल्दी से करें। आंसर आपका आ चुका होगा, टाइम भी आपका पूरा लगभग हो चुका है। आई होप अभी तक आपका ये सवाल हो चुका होगा। देखिए अब इसको सोल्व कैसे करोगे, इसमें क्या बताया आपको, 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है। देखो सिंपली आपने क्या निकालना है, वर्षों का अंतर, वर्षों का अंतर यहाँ पर कितना है, 2001 में 2000 घटाए तो कितना आ गया, एक। अब रही बात लीप ईयर की, मैंने लीप ईयर क्या बताया था आपको, जो अंतर है उसको चार से भाग कर दे, जो मैंने क्या बताया था लीप ईयर कैसे निकालते हैं, जो ये अंतर आया उसको चार से भाग कर दे और जो प्रॉपर भागफल आएगा वो ही आपके लीप ईयर होंगे। यदि मैं इसको भाग करने के लिए चलूं चार से, तो प्रॉपर तो इसको ये काट ही नहीं सकता, तो आपके पास भागफल तो कुछ भी नहीं आया, यानी कि जीरो लीप ईयर। लेकिन रुके, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपके पास जिसमें से आप माइनस कर रहे हो उनमें से एक वर्ष लीप ईयर हो तो लीप ईयर एक बढ़ा दिया जाएगा, यानी जीरो में एक जोड़ दे। लेकिन रुके, यहां पर भी आप कुछ प्राप्त करके जाओगे। ये देखे 2000 सन की बात करें, 2000 में इसने डे क्या बताई आपको, 15 सितंबर, 15 सितंबर की बात कह रहा है, और आपको पता है लीप ईयर में एक्स्ट्रा डे कौन से मंथ में जोड़ा जाता है, जल्दी से सोचे कौन से में। हाँ सही बात है, फरवरी में, फरवरी में 29 दिन हो जाते हैं 28 की जगह। लेकिन सितंबर की बात कर रहे हैं यहां पर, 15 सितंबर, यानी कि आपकी फरवरी तो जा चुकी है। इसका मीनिंग क्या, जो एक्स्ट्रा डे था, जो एक्स्ट्रा डे था एक, वो जा चुका है, उसको हमने कैलकुलेट नहीं करना है। तो आपका लीप ईयर यहां पर कितना रहेगा, जीरो रहेगा, बटे में 7 इक्वल टू क्या आएगा, 1/7, जो इससे नहीं कटता, तो आपका शेष फल भी यही रहेगा 1। यानी शुक्रवार से आप एक दिन आगे चले, शुक्रवार से एक दिन आगे चले तो क्या आएगा आपका, शनिवार। यहां पर ऑप्शन नंबर क्या ठीक रहेगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा लीप ईयर में, बस एक दो बार करोगे आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ जाएगा। हमेशा याद रखें, जब भी जिसमें आप माइनस कर रहे हो उसमें एक वर्ष लीप ईयर हो और फरवरी भी इंक्लूडिंग हो, उसके अंदर फरवरी भी लिया हो, तो आप एक बढ़ाओगे, अदरवाइज एक नहीं बढ़ाएंगे। जैसे इसमें 15 सितंबर दे दिया, यानी कि फरवरी इसने क्रॉस कर दिया, चला गया है, उसके दिन नहीं गिनेंगे हम, तो एक आपका नहीं बढ़ेगा, तो जो लीप ईयर इस कैलकुलेशन से निकला यानी कि जीरो, उसी को ही रखेंगे। तो आपका आंसर यहां पर क्या रहेगा, शनिवार। नेक्स्ट पर्सन कंप्यूटर जी स्क्रीन पे लगाया जाए, और बच्चों इसको जल्दी से जल्दी करें, बड़ा सिंपल पर्सन है। इस पर्सन में क्या बताया गया, मैं एक ही तरीके के कई सवाल करवाता हूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट है ना, ये टाइप अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि जब हमारे माइंड में कोई चीज अच्छे तरीके से फिट बैठ जाएगी ना, फिर उसके बाद ना आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। देखिए इसमें क्या दिया गया था, यदि 5 जुलाई 1996 को बुधवार है तो इसी तिथि को वर्ष 1980 में कौन सा दिन था। यह प्रश्न CISF कॉन्स्टेबल 2010 में पूछा गया था, आपने भी कर दिया होगा और आपका टाइम भी जा चुका है। देखिए इसको सोल्व कैसे करोगे आप, अच्छा देखिए अभी तक आपने ये सवाल कर ही दिया होगा। देखिए इसका आंसर क्या रहेगा, आपका टाइम भी पूरा हो चुका था। इसमें क्या बताया गया था, 5 जुलाई 1996 को बुधवार है तो इसी तिथि को वर्ष 1980 में कौन सा दिन होगा। देखिए बड़ा सिंपल है, सबसे पहले क्या करोगे, वर्षों का अंतर निकालोगे, वर्ष कितने हैं 1996 से माइनस करोगे 1980, कितना हो चुका है आपके पास, 16 आ चुका है, ये आ गया वर्षों का अंतर, प्लस लीप ईयर। लीप ईयर निकालने का मैंने क्या तरीका बताया था, इसको चार से भाग कर दे, जो भागफल है वही आपका आंसर है, जो भागफल है यहाँ पर वही आपका आंसर रहेगा लीप ईयर के लिए, 4 × 16, तो यहां पर लीप ईयर कितना आ गया आपका, 16 आ चुका है। और किससे भाग करूंगा मैं, 7 से, तो भाग करें 20/7, कितने पे, 7 × 14 पूरा कट चुका है, बचे कितने दिन आपके पास, शेष फल। यहां पर आंसर क्या होगा आपका, शेष फल। दो फार्मूले यूज कर रहे हैं, एक लीप ईयर के लिए, एक हम डे निकालने के लिए, एक्स्ट्रा डे निकालने के लिए, जो फाइनल हमारा फार्मूला है 6 दिन।
थोड़ा सा ध्यान रखिए, 6 दिन हमें वापिस जाना है, बैक जाना है, क्योंकि 1996 का आपके पास दिन दिया हुआ है जो कितना था, बुधवार। अब बुधवार से आप 6 दिन वापिस जाओगे, क्योंकि 1996 से पहले आ चुका है। तो आप गिनना कैसे, काउंटिंग स्टार्ट करोगे, ऐसे स्टार्ट करोगे ना कि 6 दिन आगे जाओगे, क्योंकि ये दिन आपके पीछे हैं, पीछे जा चुके हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठा दिन आपका क्या रहेगा, वीरवार यानी बृहस्पति बार, जो आपका आंसर क्या रहेगा, बृहस्पति बार। वीरवार को ही गुरुवार कहते हैं, वीरवार कहते हैं और बृहस्पति बार, 3 नाम है इसके, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा। देखो बच्चों कितने सिंपल सवाल है, लेकिन छोटी छोटी बातें सीखनी पड़ेंगी। आपने यहां पर नई बात क्या सीखी है कि जब साल आपको पहले आगे दे दिया और उसको बैक पीछे जाना है, उस सन से पीछे जाना है, तो आप गिनती को अपने उल्टा गिनोगे, यानी कि आप राइट टू लेफ्ट चलोगे। जब सन आगे आ जाए, यानी कि 1980 का सपोज करें हमें 1980 का दिन दिया होता, जो कितना अभी अभी आपने कैलकुलेट किया वीरवार है, और आपसे पूछा जाता 1996 का दिन, आपसे पूछा जाता 5 जुलाई 1996 में कौन सा दिन होगा, तो 6 दिन हम आगे की ओर चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो आपका आंसर क्या रहता, बुधवार। तो थोड़ा सा याद रखें, जो सन बाद में आ रहा है उसके लिए गिनती हम राइट साइड की ओर चलेंगे, और जो सन पहले जा चुका है तो आप लेफ्ट साइड की ओर गिनती स्टार्ट करोगे, यानी कि 1, 2, 3 ऐसे। बड़े सिंपल सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कंप्यूटर जी स्क्रीन पर सवाल को लगाया जाए, 30 सेकंड का टाइमर भी लग चुका है। इस सवाल में क्या बताया गया, एक बच्चा 8 अगस्त 1978 को पैदा हुआ, उसी दिन क्या था, कौन सा बार था, मंगलवार था, वर्ष 1986 में उसका जन्मदिन किस दिन होगा। ये तो आपको पता है, जन्मदिन भी तो सेम डे पे आएगा, यानी कि 8 अगस्त को ही आएगा, यानी कि यहाँ पर आपकी डेट सेम है, लेकिन जो ईयर्स है, जो सन है, वो डिफरेंट है। जल्दी करें, 30 सेकंड होने वाले हैं आपके, 30 सेकंड से पहले पहले आंसर देना है। ये प्रश्न RRB 2009 में पूछा गया है, बड़ा सिंपल प्रश्न है। देखें अब बच्चों इसका आंसर देखें, आपने तो आंसर दे ही दिया होगा, मुझे यकीन है आपके ऊपर। देखिए इसमें क्या बताया गया, सबसे पहले क्या करोगे, वर्षों का अंतर निकालें, जो बड़ा है उसको ऊपर लिखे, 1986 बटे में क्या लिखोगे, 1978। देखें 1978 माइनस कर दे, 1986 में 1978 माइनस करें तो कितना आएगा आपका, 8। कितना आएगा आपका, 8। वर्षों का अंतर कितना, 8 आ चुका है। लीप ईयर मैंने पहले ही बताया, लीप ईयर कैसे निकालोगे आप, 4 से भाग करें इसको, क्या करोगे, 4 से भाग करोगे, तो करें 4 × 8, तो लीप ईयर आपके कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, तो आपके लीप ईयर कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। 8 में 2 जोड़ू कितना हो चुका है, 10। 10 को 7 से भाग करूं, 7 × 7 तो शेषफल कितना है आपका, शेषफल का मेरा अभिप्राय ये है, जिस बच्चे को इतना बेसिक भी नहीं आ रहा है तो कोई डरने की बात नहीं है, 7 को यहाँ रखें, जो नीचे होता है उसको यहाँ रखा जाता है, जो ऊपर है उसको बीच में, 7 × 7 शेषफल कितना है आपका, 3 आया, तो शेषफल हमें चाहिए, तो आपका शेषफल कितना, 3। तो 3 दिन आप आगे चले, 8 अगस्त को कौन सा दिन था, मंगलवार, मंगलवार से 3 दिन आगे चले, 1, 2, 3, तो कौन सा डे होगा आपका, शुक्रवार, जो आपका आंसर डी ठीक रहेगा। देखिए कितना सिंपल सवाल है, अभी तक तो आपको सारे सवाल अच्छी तरीके से समझ आ चुके होंगे, लेकिन एक बार थोड़ी देर रुके, मेरी बात समझे, 4 तक तो आपको सारा कॉन्सेप्ट, 4 सवालों तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब वीडियो को दोबारा स्टार्ट करें, ताकि जो सवाल हम पहले कर चुके हैं 4, उनका आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर ले, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से आप अपने माइंड में स्टोर करोगे ना, उतने ही अच्छे तरीके से आप अपने एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको जरूर जरूर शेयर करें। देखिए गर्मी में हमें पसीना आ रहा है, किसके लिए पसीना आ रहा है, सिर्फ आपके लिए। हम भी चाह रहे हैं कि जैसे हम कामयाब हो चुके, आप भी कामयाब हो, तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुपों में शेयर करें। नेक्स्ट पर्सन देखें, नेक्स्ट पर्सन में क्या बताया गया, टाइमर लग चुका है, 30 सेकंड ही है आपके पास, जल्दी जल्दी फटाफट करें।
क्योंकि कंपटीशन, जैसे मैं जल्दी से जल्दी आपको प्रश्न करवा रहा हूँ ना, इसी तरीके से आप जब कंपटीशन एग्जाम देने के लिए जाते हो ना, कंपटीशन हॉल में आपके पास जरा सा भी टाइम नहीं होता है, तो अपनी स्पीड बरकरार रखें। तो देखिए इसमें क्या बताया गया, यदि 25 फरवरी 2008 का दिन सोमवार रहा तो 2 मार्च 2008 का दिन कौन सा था, ये ट्राई करिए। टाइप नंबर 4 आ चुकी है आपके पास, इस प्रश्न को ट्राई करें निकालने की, बड़ी सिंपल सवाल है, ट्राई करें जल्दी से, 30 सेकंड है, नहीं तो अदरवाइज मैं करवा ही दूंगा इस सवाल को। छोटी सी बात इसमें इंक्लूडिंग होगी, कुछ भी नहीं है, जल्दी से करें। यह प्रश्न एसएससी प्लस टू लेवल ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर 2012 में पूछा गया था। देखिए इस प्रश्न को, क्योंकि ये भी आप पहली बार कर रहे हो, शायद आप सफल हुए या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ट्राई जरूर करते रहे, क्योंकि जो ट्राई करता है वो ही जीतता है, जो बार बार गिरेगा वो ही एक दिन खड़ा होगा, वो ही सफल होगा जीवन में। देखिए इस सवाल को कैसे करोगे आप, देखो सन सेम है, इसमें क्या ईयर आपका सेम है, यानी कि 2008 ईयर से हमें कोई मतलब नहीं। अब मंथ की बात करें, सिंपल एक बात याद रखिए, हमें यहां पर ना छोटी सी बात ध्यान रखनी पड़ेगी, वो है एक्स्ट्रा डे। वो क्या है आपके पास, एक्स्ट्रा डे। एक्स्ट्रा डे कैसे निकालते हैं इसको, देखो तीसरी टाइप और चौथी टाइप आपस में मिलकर टाइप नंबर 5 बनाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। इसमें कैसे करोगे आप, इसमें इस फॉर्मूले का कोई यूज नहीं है, इसमें सिर्फ आपने एक्स्ट्रा डे निकालने हैं। क्या निकाल लिया आपने, एक्स्ट्रा डे। एक्स्ट्रा डे को आप क्या करोगे, 7 से भाग कर दोगे, वो ही आपका आंसर रहेगा। फार्मूला नंबर 1 ये था, फार्मूला नंबर 2 ये है, और टाइप नंबर 5 में दोनों फार्मूलों को हम कंबाइन कर देंगे, यानी कि दोनों फार्मूलों को जोड़ देंगे। देखिए एक्स्ट्रा डे कैसे निकालेंगे आपको पता, देखो मंथ की बात करें, कैलेंडर की बात करें, कम से कम कितने दिन का मंथ हो सकता है, कम से कम कितने का, जोर से बोले कितने का, 28 का, जो फरवरी का मंथ होता है 28। यदि मैं देखो एक्स्ट्रा डे कम निकाल, कैसे निकालते हैं हम, 7 से भाग करके, और जो शेष पल आएगा वो ही आपका एक्स्ट्रा डे होता है। क्या होता है वो, एक्स्ट्रा डे। एक्स्ट्रा डे का बहुत बड़ी वैल्यूएशन है कैलेंडर का, जब आप टॉपिक कर रहे हो तो 7 से हम भाग करें तो शेष पल कितना है आपका, 0। तो यहां पर मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं, आपके आपको पता है कि फरवरी एक तो 28 का होता है, दूसरा फरवरी कितने दिन का हो सकता है, 29 का, यानी कि लीप ईयर। यहां पर आपके पास एक्स्ट्रा डे क्या होंगे, 1। इसके बाद 29 के बाद मंथ कितने दिन का हो सकता है, 30 दिन का, सीधी बात है। यहां पर एक्स्ट्रा डे कितने होंगे आपके पास, 2। और आपको पता है मैक्सिमम डे कितने हो सकते हैं मंथ में, 31। यहां पर एक्स्ट्रा डे आपके पास कितने होंगे, 3। या तो आप बार बार 7 से भाग करो और से उसका शेषफल निकाल लें, या आप याद रख लें गिनती 28 से स्टार्ट होती है, 28 के लिए एक्स्ट्रा डे 0, फिर 29 1, 30 2 और 31 3। इस तरीके से आप एक्स्ट्रा डे याद रखें। और आपको यह भी पता होगा जब हम कभी भी मंथ की कैलकुलेशन करते हैं, जनवरी जो अक्सर ऊपर आ जाए जनवरी, तो उसमें 31 दिन है, जो अंदर आ जाए उसमें या 28 होंगे, 29 होंगे या 30 दिन होंगे। सिर्फ फरवरी मंथ में हमें 28 और 29 मिलेंगे, अदरवाइज आपको 30 मिलेंगे। जो मंथ ऊपर आ गया जनवरी फरवरी मार्च, ऊपर आ चुका है ना ये, आप अपनी मुट्ठी को ऐसे बंद करें तो यहां 31 दिन होंगे। जब नीचे आ जाए यानी कि अप्रैल, अप्रैल में आपके कितने दिन होंगे, 30। मई में कितने दिन होंगे, 31। इस तरीके से आप याद रखें, आप याद कर सकते हो कि कौन सा 31 का मंथ है, कौन सा 30 का मंथ है। अब आपसे क्या पूछा गया था, 25 फरवरी से आपने कौन से तारीख तक बताना है, कौन सी तारीख तक आपने बताना है, 2 मार्च। देखो एक बात हमेशा याद रखें, जो इसमें कैलकुलेशन निकालते हैं डे में, थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज को, थोड़ा सा सिस्टम आपको थोड़ा लंबा सोचना पड़ेगा। ये हमारे पास कीमती चीजें हैं, ये आपके माइंड के अंदर फिट हो जानी चाहिए। अभी तक ये आपको समझ आ चुका होगा। अब देखो डे कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ये विचार करने लायक चीज है। फरवरी का मंथ, फरवरी मंथ से स्टार्ट कर रहा है वो, फरवरी के देखो कितने दिन बचे हैं आपके पास, कौन सा है 2008, कौन सा है 2008,
2008 जल्दी से बताएं, लीप ईयर है या सिंपल ईयर? आप लास्ट के दो डिजिट को चार से भाग करोगे, यानी कि 08 को चार से भाग कर रहे हो तो कितना आया आपका? चार से पूरा पूरा कट रहा है, यानी कि लीप ईयर है, यानी कि फरवरी का मंथ यहाँ पर कितने दिन का होगा? 29 का। कितने दिन का होगा? 29 का। इसने बता दिया 25 फरवरी को सोमवार है। कौन सा वार है आपका? सोमवार। तो कितने दिन बच गए हैं फरवरी के, फरवरी मंथ के कितने दिन बच चुके हैं आपके पास, जल्दी से बताएं। 26, 27, 28, 29, चार दिन ये फरवरी। फरवरी के बाद क्या आएगा आपका? मार्च आएगा ना जस्ट, ये तो मार्च के कितने दिन लिए हुए हैं इसने? दो दिन। कितने दिन लिए हुए हैं? सिर्फ दो दिन। तो टोटल एक्स्ट्रा डे आपके पास कितने आ चुके हैं? छः। कितने आ गए? छः। और अब एक्स्ट्रा डे को क्या करोगे आप? सात से भाग करोगे। सात से नहीं कट रहा है तो यानी कि शेष पल आपके पास छः है। तो यहाँ पर आपके पास सोमवार है, सोमवार से छः दिन आगे चले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि आज 2 मार्च को क्या होगा, यानी कि 2 मार्च को क्या डे होगा आपके पास? रविवार, जो ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर में आ चुका है, यहाँ पर हमें फार्मूले का भी यूज करने की कोई जरूरत नहीं थी। 6 दिन आप अंगुलियों पे भी गिन सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ा सा, मैंने तो जान के फार्मूले का यूज किया ताकि कोई ऐसा पर्सन आए जिसमें मंथ काफ़ी लंबे हो, दूर तक जाए, तो आप जल्दी से कैलकुलेट कर सके, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ये लिया। लेकिन जब पास पास मंथ हो तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फार्मूले का यूज ना करें, सीधे अपनी अंगुलियों पर याद कर ले 6 दिन आगे चलना है बस। 6 दिन सोमवार से आगे चलोगे आपके पास क्या आएगा? रविवार आएगा। आई होप आप इस पर्सन को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। ये टाइप नंबर 4 का था, इसमें डेट डिफरेंट है, ईयर लेकिन सेम होगा। इसमें हम मेन यूज किसका करते हैं? एक्स्ट्रा डे का, इनका, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी तक मैंने यूज नहीं किया क्योंकि पास पास था, उंगलियों पे ही गिने गए। नेक्स्ट पर्सन में आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट पर्सन देखिए, इस पर्सन में क्या बताया गया था? ITBP कॉन्स्टेबल 2010 में पूछा गया था, इसमें क्या बताया गया? ये टाइप नंबर 5 है। दोनों को हम मिक्स कर देंगे, दोनों फार्मूलों को हम मिक्स करेंगे। अब देखिए क्या किया गया इसमें। यदि 15 जनवरी 1996 को सोमवार था तो बताएं कि 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा, ये आपने कैलकुलेट करना है। बड़ा सिंपल है ये सवाल, देखे करें। सबसे पहले आपको पता है कौन सा फार्मूला का? वर्षों का अंतर निकालोगे, फिर लीप ईयर निकालोगे, फिर क्या निकालोगे? एक्स्ट्रा डे। तीन बातें निकालेंगे यहाँ पर, देखे वर्षों का अंतर। सबसे पहले क्या निकालेंगे? वर्ष, और बटे में 7 ही रहेगा, 14 नहीं करोगे, 7 + 7 एक ही फार्मूला है। यानी कि अब इसको ऐड करूं तो मैं, ये फार्मूला हो चुका है आपके पास एक्स्ट्रा डे। इस फार्मूले को हम ऐसे लॉन्ग ही लिख देते हैं इकट्ठा, तीन चीजें निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालो? ईयर निकालो। 2000 में मैं माइनस कर रहा हूं 1993, जल्दी से माइनस करें तो आपके पास आंसर क्या रहेगा? जल्दी से माइनस करें, 2004 में से 1993, 4 में से 3 गया 1, 1 कितने वर्ष आ चुके? 11। यानी वर्षों की जगह आपका क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? 11 प्लस। अब लीप ईयर, मैंने लीप ईयर कैलकुलेट करना आपको सिखाया है, लीप ईयर के लिए क्या करोगे आप? 11/4 पूरा पूरा कितना कट रहा है आपके पास, क्या होना चाहिए? भागफल 4 × 8, यानी कि 2 आ चुका है। लेकिन रुके, यहां पर देखें 2004 पूछा गया, 2004 का अगस्त मंथ यानी कि फरवरी भी इंक्लूडिंग कर लिया गया, तो इसके नाम का 2004 के नाम के क्या मानेंगे? एक और ऐड कर दिया, कितने हो गए टोटल? 3 दिन। ओके, अब रही बात आपके पास एक्स्ट्रा डे की। एक्स्ट्रा डे ये तो साफ कर दूं, ये तो आपको समझ आ चुका होगा। 11 निकाला वर्षों का अंतर, लीप ईयर कितना? 3 आ चुका है, 2 आपका भागफल से आया, 1 हमने एक्स्ट्रा कर दिया क्योंकि 2004 भी कौन सा लीप ईयर है। अब एक्स्ट्रा डे निकालोगे कहां से चलना है आपने? 15 जनवरी कहां तक? 17 अगस्त कब तक? 17 अगस्त। तो कैसे डे निकालोगे? एक तो बात ये याद रखें, जनवरी कितने का मंथ है? 31 का। मैं एक्स्ट्रा डे निकालना चाह रहा हूं, क्या निकालना चाह रहा हूं? एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा डे। बड़ा सिंपल है ये।
तो आप 31 में से 15 माइनस कर दे कितना 16, यानी जनवरी के नाम का आपका 16 आ चुका है। अब देखिए फरवरी के बाद कौन सा मंथ आएगा, आप लिख ले पहले, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल